बालकों ने अपने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अंबिकापुर में जयपुर फूड कैंप आयोजित किया। कैंप का उद्घाटन सरगुजा कलेक्टर श्री आर प्रसन्ना ने किया। कैंप में 26 जरूरतमंदों को कृत्रिम पांव मिले। श्री प्रसन्ना ने कैंप के आयोजन पर प्रसन्नता जताई। पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग सरगुजा के सहयोग से अंबिकापुर के श्री राम मंदिर परिसर में आयोजित जयपुर फूड कैंप का उद्घाटन सरगुजा कलेक्टर श्री आर प्रसन्ना ने किया। श्री विनय मित्र मंडल के जयपुर फूड विशेषज्ञ श्री अब्दुल वहीद कुरैशी ने श्री प्रसन्ना को जयपुर फूड तैयार करने की प्रक्रिया से अवगत कराया। इस अवसर पर बालको के खदान विकास सह उपाध्यक्ष श्री बी के भाटिया, सामुदायिक विकास सलाहकार श्री आर के खेर, खदान प्रबंधक श्री मनोज मोदी, प्रबंधक श्री आशीष रंजन, सह प्रबंधक श्री निशांत कुमार और सहायक प्रबंधक श्री विश्व कुमार, अनेक बालको अधिकारी, कर्मचारी एवं स्वयंसेवी संगठन MSSVP के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि बालकों ने अपने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क जयपुर फूड कैंप का आयोजन किया है, जिसका लाभ जरूरतमंद नागरिक ले सकते हैं। CSR एक्टिविटी में जिनका पैर किसका नहीं है उनके लिए जयपुर फूड कैंप का कैंप ऑर्गेनाइज करके उनके लिए आर्टिफिशियल इंग्लिश देने के लिए तैयारी चल रहा है। इसमें अभी लगभग 50-60 लोग का पंजीयन हुआ है। कोई भी सरगुजा जिले के लोग है उसके लिए फायदा उठाना चाहते हैं, इस कैंप में भाग ले सकते हैं। जयपुर फूड तैयार करने से पूर्व जरूरतमंद व्यक्ति की माप ली जाती है, जिसके अनुरूप विभिन्न उपकरणों की मदद से एल्यूमिनियम सीट सहित अन्य सामग्रियों की कटिंग और फिटिंग की जाती है। लगभग 2 घंटे की मेहनत से एक जयपुर फूड तैयार होता है। कृत्रिम पांव तैयार होने के बाद जरूरतमंद व्यक्ति को पैर के साथ चलने का अभ्यास कराया जाता है। आरामदायक महसूस होने के बाद ही कृत्रिम पांव को अंतिम रूप दिया जाता है। श्री बी के भाटिया ने बताया कि बालकों ने पैर से निःशक्त नागरिकों के लिए जयपुर फूड कैंप आयोजित किया है, जिसमें अनेक जरूरतमंदों ने पंजीयन कराया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बालकों के शिविर में जरूरतमंदों को कृत्रिम हाथ भी देने की व्यवस्था की गई है। बालको ऐसे आपको विदित है कि अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कटिबद्ध रहता है। तो ये हमारा कैंप है जयपुर फूड का। आर्टिफिशियल फूड मिलेंगे और ये करीब 60 का पंजीकरण हो चुका है और ये 4 दिन चलेगा। ये हमारा 3रा कैंप है यहाँ पर। ऐसी बाकी जगह हमने कवर्धा में भी किया है, कोरबा भी करते रहते हैं। यहाँ यही उद्देश्य है कि मैक्सिमम फायदा मिले। तो जिनके अंग नहीं रहते हैं, पैर कट जाते हैं, इस बार हमने हाथ के लिए भी रखा है, हाथ का भी कृत्रिम अंग मिलेगा। तो ये सब लोगों का, यहाँ के लोगों को जो है काफ़ी फायदा होगा। ये जो आसपास के हैं, सब आसपास जो है 50-60 किलोमीटर मेन पार्ट के भी हैं, आसपास के सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के भी हैं। इधर उत्कृष्ट आयोजन के लिए जरूरतमंदों ने बालको प्रबंधन को साधुवाद दिया। बालको को मैं इसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक्चुअली इन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है, क्योंकि निःशुल्क पैर भी दे रहे हैं, खाना पीना सब दे रहे हैं, आने के लिए उचित व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई कमी यहाँ पर महसूस हमें नहीं आती। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, हम कोई एक व्यक्ति को भी लेकर नहीं आए हैं, हम अकेले आए हैं, फिर भी यहाँ के स्टाफ सदस्य के लोग अच्छे से हमारे सहयोग कर रहे हैं। इतना तक कि मैं दरिमा में मेरा गाड़ी छूट जाती है तो मैं घर तक छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पर आया था पैर लगवाने के लिए। जब मैं पढ़ा पेपर में कि यहाँ पर कैंप लगा हुआ, तो मैं आने के बाद में मेरा पैर, कल मैं आया था, मेरा नाप तो हुआ, उसके बाद फिर आज पैर बना के दे दिया गया। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। यहाँ की सुविधाएँ जो थी, नाश्ता पानी वगैरह सब कुछ व्यवस्था होती है बैठने के लिए, और मतलब जो भी व्यवस्थाएँ थी, मतलब जो भी तकलीफें होती हमारी खासकर विकलांग लोगों की, वो सारी यहाँ पर होने नहीं दिया गया। अच्छे से व्यवहार किया गया और जो पैर दिया गया वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का पैर है, वो अच्छा पैर है।